500 करोड़ नहीं कमाए रामलीला। रामलीला बॉक्स ऑफिस पर कमाएगी 500 करोड़। रणवीर सिंह की इस अधूरी बात का क्या मतलब है? ये रणवीर का कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? 500 करोड़ नहीं कमाए रामलीला। लेकिन रणवीर सिंह की बात ओवर कॉन्फिडेंस साबित होने से पहले एक चैलेंज की तरह साउंड कर रही है। लग रहा है कि रामलीला के 500 करोड़ कमाने की बात कहकर कि कहीं रणवीर अब तक सिर्फ 100-200 करोड़ की लड़ाई में लगे टॉप बॉलीवुड स्टार्स को चैलेंज तो नहीं कर रहे। वो देखेंगे सर, 500 करोड़ नहीं कमाए रामलीला। चुटकी बजाकर बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ कमाने का चैलेंज तुम क्या जानो रणवीर बाबू। शायद यही बात ध्यान में आते ही रणवीर चुप हो गए, उन्होंने बात पूरी भी नहीं की। दरअसल हुआ यूं कि मीडिया ने रणवीर से पूछा कि उनकी फिल्म की रिलीज के वक्त जल्द ही रिटायर होने जा रहे सचिन का टेस्ट मैच भी चल रहा होगा, और अगर लोग सचिन का मैच देखेंगे तो फिर उनकी फिल्म कौन देखेगा। इतना पूछते ही बेलगाम हो गई रणवीर की जुबान। मैं चाहूँगा कि वो फर्स्ट डे पर सुबह सुबह ओपनिंग करे और 5 दिन तक वही करते रहे बैठे, पूरे 5 दिन के हर एक बॉल को वही फेस करे और 500 रन बनाए, 100 रन दिन के। वो देखेंगे सर, 500 करोड़ नहीं कमाए रामलीला। वैसे अगर रणवीर अपना सेंटेंस पूरा कर जाते तो शायद शाहरुख, आमिर, सलमान और रणबीर कपूर जैसे दिग्गज बॉलीवुड स्टार्स को उनकी बात परेशानी में डाल जाती। आखिर थ्री इडियट्स, एक था टाइगर और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड लंबे इंतजार के बाद बने हैं। अब तक सुपरहिट रही फिल्म्स के लिए स्टार्स ने एवरेज 30 से 40 दिनों का फिल्म प्रमोशन किया है, लेकिन रणवीर प्रमोशन के इस पैटर्न में भी कुछ खास भरोसा नहीं रखते। Set a trend, maybe in the future when I'm a little bit more established. मैं चाहूँगा कि कोई एक्टर को फिल्म प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं पड़े. You know, I think we go out and sell our work more than we actually do the work. Talk about the work more than actually doing it. तो आजकल 30 दिन 40 दिन हर कोई बेच रहा है फिल्म. I think it's 5 या 7 दिन में हो जाना चाहिए. I think I would like to change this trend. वैसे रणवीर से पहले इमरान और रणबीर कपूर हद से ज्यादा होने वाले प्रमोशन पर सवाल उठा चुके हैं, इसलिए ये पॉइंट तो बनता ही है। लेकिन एक चुटकी बजाकर 500 करोड़ कमाने की बात रणवीर ने लगता है मजाक नहीं कही है। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। 500 करोड़ नहीं कमाए रामलीला।